दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएम क्या है, एनएम कोर्स के बारे में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे इसका सिलेबस, पढ़ाई के लिए उम्र, कोर्स ड्यूरेशन, एनएम कोर्स करने के बाद नौकरी, एनएम फुल फॉर्म, एनएम की तैयारी कैसे करना है, एनएम और जीएनएम में क्या अंतर होता है, जैसे इस कोर्स से जुड़े सभी सवालों को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। क्या बात है, सबसे पहले जान लेते हैं कि एनएम क्या है। एनएम एक ऐसा डिप्लोमा कोर्स है जो कि केवल महिला उम्मीदवारों के लिए यानी कि लड़कियों के लिए होता है। एनएम की परीक्षा को एनएमटीएसटी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट कहा जाता है। यह नर्सिंग फील्ड का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। एनएम नर्सिंग कोर्स में अभ्यर्थी को चिकित्सा से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि किस तरह से उन्हें मरीजों का ध्यान रखना है और डॉक्टर द्वारा इलाज करते समय कैसे उनकी मदद करनी है, इन बातों के बारे में सिखाया जाता है। कहने का मतलब, एक प्रोफेशनल डॉक्टर के नीचे एक सपोर्टिंग डिपार्टमेंट का जो काम होता है वह इस एनएम नर्सिंग कोर्स में सिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है। एनएम का फुल फॉर्म ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी होता है, जिसका मतलब सहायक नर्स दाई सेवा होता है, यानी कि आप कह सकते हैं बड़े प्रोफेशनल डॉक्टर के साथ कार्य करने वाली सहायक नर्स इस एनएम कोर्स को करने बना जा सकता है। यह कोर्स उस मायने में भी एक अच्छा कोर्स है जहां आज नर्सिंग कोर्स को करने के लिए लाखों रुपए का खर्चा आया है, जिसके कारण बहुत से काबिल विद्यार्थी भी नर्सिंग नहीं कर पाते, लेकिन इस कोर्स में आप काफी कम खर्चे के साथ नर्सिंग का सपना पूरा कर सकते हैं। एनएम नर्सिंग कोर्स 2 वर्षों का कोर्स होता है, जिसमें आपको दोनों साल में अलग अलग सिलेबस पढ़ना होते हैं। फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, सेकंड ईयर में मिडवाइफरी हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़ना, समझाना और इस पर प्रैक्टिस करना होता है। एनएम कोर्स की फीस देखें तो प्राइवेट संस्थानों के ऊपर निर्भर है, फिर भी 60,000 से 1,00,000 प्रतिवर्ष तक इसकी फीस होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस काफी कम न के बराबर होती है, लेकिन इनमें एडमिशन प्रवेश परीक्षा पास करने पर ही मिलता है। एनएम कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी भी जान लेते हैं। एनएम करने के लिए 12th कम से कम 45% के साथ पास होना जरूरी है, साथ ही आपका 12th आर्ट्स या फिर साइंस स्ट्रीम से पास होना जरूरी है। एनएम नर्सिंग कोर्स एज लिमिट क्या है वो भी जान लेते हैं। एनएम कोर्स करने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष हो सकती है। दोस्तों अब तक आप ये जान चुके होंगे कि एनएम कोर्स क्या है, इसमें क्या पढ़ना होता है और क्या करना होता है। अब यदि आप एनएम नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प है, प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज। यदि आपने 12th आर्ट्स या साइंस विषय से पास की है तो आप एनएम के लिए प्रतिवर्ष होने वाली परीक्षा में भाग ले सकते हैं, जिसमें आए आपके नंबर के आधार पर आपका सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो सकता है और यहां आपको फीस भी बहुत कम लगती है। इसके अलावा आप प्राइवेट कॉलेज से भी एनएम नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। यहां भी प्राइवेट कॉलेज अपने अपने स्तर पर एग्जाम लेते हैं, जिसके बाद आपको एडमिशन मिलता है, लेकिन आपको प्राइवेट इस कोर्स के लिए ज्यादा फीस देनी होगी। इसलिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंतर्गत एनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट हेतु आवेदन कर सकते हैं और इस एग्जाम को पास कर आप सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एनएम कोर्स करना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यह कोर्स मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो आपको विज्ञान विषय पर ज्यादा परिश्रम करना होगा और 10th-12th के विज्ञान संज्ञान के विषयों को बारीकी से पढ़ना होगा। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।